गांवों में बसती, विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त होना जरूरी है। पहले केंद्र में जो सरकारें रही वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरतों को टुकड़ों में देखती थी। हम गांव के हर पहलू को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा फोकस है छोटे किसान का जीवन कैसे बेहतर हो, हमारा फोकस है पशुपालन का दायरा कैसे बढ़े, हमारा फोकस है पशुओं का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, हमारा फोकस है गांव में पशुपालन के साथ ही मछली पालन और मधुमक्खी पालन को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। इसी सोच के साथ हमने पहली बार पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। हमने किसानों को ऐसे आधुनिक बीज दिए हैं जो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सके। भाजपा सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे अभियानों के माध्यम से दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने का भी काम कर रही है। लंबे समय तक फूट एंड माउथ डिजीज, मुंह पका और खर पका हमारे पशुओं के लिए बहुत बड़े संकट का कारण रही। इसी बीमारी के कारण हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान आप सभी पशुपालकों को होता है। इसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया। इस अभियान पर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। इसके तहत 60 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। हम 2030 तक फूट एंड माउथ डिजीज को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, पशुधन की समृद्धि के लिए कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी। कल जरा कैबिनेट मीटिंग हमने देर रात की थी और कल भाजपा सरकार ने कैबिनेट में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में संशोधन करके देसी नस्ल की प्रजातियों को बचाने के लिए नए उपायों की घोषणा हुई है। बंजर जमीन को चारगाह की तरह उपयोग में लाने के लिए भी आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने पशुधन का बीमा कराने में किसान का कम से कम खर्च हो इसके लिए प्रीमियम की राशि को भी कम करने का फैसला लिया है। ये फैसले पशुओं की संख्या बढ़ाने, पशुपालकों की आय बढ़ाने में और मददगार साबित होंगे। साथियों, हम गुजरात के लोग जानते हैं कि पानी का संकट क्या होता है। सौराष्ट्र में, कच्छ में, उत्तर गुजरात में हमने अकाल के दिनों में हजारों पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मीलों मीलों चलते जाते देखा है। हमने पशुओं के मरते पशुओं के ढेर उसकी तस्वीरें भी देखी है। नर्मदा जल पहुंचने के बाद ऐसे क्षेत्रों का भाग्य बदल गया। हम प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी चुनौती से ना जूझना पड़े। सरकार ने जो 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए हैं वो भी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत मदद करने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि गांव में छोटे किसान को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़े।
गुजरात में आपने देखा है कि बीते वर्षों में माइक्रो इरिगेशन का दायरा, टपक सिंचाई का दायरा कई गुना बढ़ गया है। टपक सिंचाई के लिए किसानों को मदद दी जा रही है। हमने लाखों किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए ताकि किसानों को गांव के निकट ही वैज्ञानिक समाधान मिल सके। जैविक खाद बनाने में किसानों को मदद मिले, इसके लिए भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। साथियों, हमारी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। हम किसानों को सोलर पंप दे रहे हैं, खेत की मेड़ पर ही छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए मदद दे रहे हैं। इसके अलावा गोवर्धन योजना के तहत पशुपालकों से गोबर भी खरीदने की व्यवस्था बनाई जा रही है। गोबर से जो हमारे डेयरी प्लांट हैं, वहां बिजली पैदा की जा रही है। बदले में जो जैविक खाद बनती है वो वापस किसानों को बहुत कम कीमत में उपलब्ध हो रही है। इसे किसान और पशु दोनों को तो लाभ होगा ही, खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य का भी बेहतर लाभ होगा। अमूल ने बनासकांठा में जो गोबर गैस प्लांट लगाया है वो इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। साथियों, हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता का दायरा बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं। इसके लिए पहली बार हमने केंद्र में अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया है। आज देश के 2 लाख से अधिक गांव में सहकारी समितियों का निर्माण किया जा रहा है। खेती हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, इन सभी सेक्टर्स में ये समितियां बनाई जा रही है। हम तो मेड इन इंडिया यानी मैन्युफैक्चरिंग में भी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके लिए टैक्स को भी बहुत कम किया गया है। देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ यानी एफपीओ बनाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 8,000 बन भी चुके हैं। ये छोटे किसानों के बड़े संगठन हैं। ये छोटे किसान को उत्पाद के साथ साथ कृषि उद्यमी और निर्यातक बनाने का मिशन है। आज भाजपा सरकार पैक्स को, एफपीओ को, दूसरी सहकारी समितियों को करोड़ों रुपए की मदद दे रही है। हमने गांवों में खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड भी बनाया है। इस योजना का लाभ भी किसानों के सहकारी संगठनों को ही हो रहा है। साथियों, हमारी सरकार पशुपालन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर भी रिकॉर्ड निवेश कर रही है। इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड बनाया गया। इसमें डेयरी सहकारी संस्थाओं को ब्याज पर पहले से अधिक छूट का प्रावधान किया गया। सरकार मिल्क प्लांट्स के आधुनिकीकरण पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसी योजना के तहत आज साबरकांठा मिल्क यूनियन के 2 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। इसमें प्रतिदिन 800 टन पशुओं का चारा बनाने वाला आधुनिक प्लांट भी शामिल है। भाई और बहनों, मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं तो मेरा विश्वास सबका प्रयास इस बात पर है। भारत ने अपनी आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक विकसित भारत होने का संकल्प लिया है। एक संस्था के तौर पर अमूल के भी तब 75 साल होने वाले, आपको भी आज यहां से